पंजाब में शादी किस तरह से होती है, खासतौर पर रुखसती किस तरह से होती है, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सारी खवातीन जो हैं उनके गांव की वो लाइन में खड़ी हैं। होगा ये कि जब दुल्हा दुल्हन आएंगे वो दोनों जब जितने भी लोग खड़े हैं उनसे सलाम करेंगे एंड देन दे गोना गो टू देयर होम। तो अभी मैं भी आके खड़ी होती हूँ और वेट करती हूँ दुल्हा दुल्हन के आने का, उसके बाद बाकी जो रस्म होगी मैं आपको वो दिखाऊंगी। अच्छा मैं जाने लगी हूँ दुल्हन के रूम में और वहाँ चल के मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। आई गेस तो दोनों बाहर ही आ गए तो अभी यहीं पे आपकी मुलाकात कराती हूँ। अच्छा आप ये देखेंगे यहाँ पे रुखसती हो रही है इस वक्त और दुल्हन जो है वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में, उन्होंने ट्रेडिशनल कैप भी पहनी हुई है और दूल्हा जो है वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये बड़ा इमोशनल टाइम होता है एक्चुअली, जहाँ पे जो लड़की है वो अपने घर वालों से जुदा हो रही होती है और एक्चुअली शी इज़ क्राइंग और उनकी फैमिली भी रो रही है, तो वो भी एक उनका अपना मोमेंट है, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए हमें। वो लोग जैसे ही यहाँ पे आते हैं और जितने भी गाँव वाले से मिलेंगे मैं तब आपकी मुलाकात दूल्हा दुल्हन से कराऊँगी। अच्छा यू कुड सी दुल्हा दुल्हन जो हैं इस वक्त अभी अपने कमरे से बाहर निकले हैं और अब ये जाने लगे हैं लोगों की तरफ, वहाँ पे जितने भी गाँव के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और यू कुड सी प्रिटी बहुत लग रही है, माशाल्लाह लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं दोनों कपल, एक्चुअली बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे गाँव वाले मौजूद हैं जिनसे अभी मुलाकात करेंगे, उसके बाद उनकी जो आखिरी रस्म होगी उसके बाद देखो गो टू देयर होम। एक्चुअली लाइन में मौजूद हूँ और ये इनका तरीका कार होता है दूल्हा दुल्हन का, यहाँ के जो लोग होते हैं उनसे मिलने का। तो अभी ये देखें गुफ्तगु जा रही है और यहाँ पे लोग मिल रहे हैं दुल्हन से मिल रहे हैं। शी इज गेटिंग इमोशनल एक्चुअली और इतनी खूबसूरत लग रही है इस टाइम, लेकिन इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर देम राइट नाउ जहाँ पे एक्चुअली दे मीट टू ईच अदर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं दूल्हा दुल्हन से मुलाकात करके बाहर आ गई हूँ, मैंने कहा उनको उनका थोड़ा सा टाइम देते हैं, बट यू सी कि ये इनका जो रवाज है, ये वाली इनकी जो रस्म है इतनी बेहतरीन है। आप ये देखें कि सारी खवातीन लाइन में है और बारी बारी गांव के जितने भी लोग हैं और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो उनसे मिल रही हैं और फिर आ रही हैं। आई रियली रियली लाइक दिस वन। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ तो पता है एक पूरा गहमा गहमी का आलम हो जाता है, लेकिन मुझे इनकी रस्म बहुत पसंद आई है। हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी फैमिली में कोई आगे कोई शादी आती है तो ट्राई दिस रस्म एज वेल, जिसमें हम सब ने क्या करना है कि हमने जितनी भी खवातीन है उनको एक लाइन में खड़े कर देना है, जितने भी मर्द है उनको एक लाइन में खड़े कर देना है और फिर उनकी मुलाकात करानी है और फिर रुखसती करानी है। यहाँ तक जो है सबसे मिलेंगे, फिर यहीं से इनकी रुखसती होगी और जो दुल्हन है वो दूल्हे के साथ अपने घर चली जाएगी। अच्छा अभी इनका रुखसती का टाइम है, आप देख सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन जो है वो गाड़ी में बैठ रहे हैं और बस ये आखिरी मरहला है और आखिरी के लिए इनकी रस्म है एंड नाउ दे गोना गो बैक टू देयर होम। शादी जो है वो हो गई है ख़त्म, दूल्हा दुल्हन जो है अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अब दे आर गोइंग बैक टू देयर होम और मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए अपनी बाइक की तरफ।